नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे आप सब। आज हम आपको प्रोटीन से संबंधित सभी 14 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को अब। सवाल नंबर एक, हेम्प यानी भांग के बीच में कितना प्रोटीन होता है? सवाल नंबर दो, प्रोटीन लेने से शरीर को क्या फायदे होते हैं? सवाल नंबर तीन, एक रोटी में कितना प्रोटीन होता है? सवाल नंबर चार, एक कटोरी सब्जी में कितना प्रोटीन होता है? सवाल नंबर पाँच, एक दिन में कितना प्रोटीन लेना चाहिए? सवाल नंबर छः, प्रोटीन क्या होता है और शरीर के लिए क्यों जरूरी है? सवाल नंबर सात, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? सवाल नंबर आठ, वजन घटाने के लिए प्रोटीन लेना क्यों जरूरी होता है? सवाल नंबर नौ, वर्कआउट के बाद कितना प्रोटीन लेना चाहिए? सवाल नंबर दस, 100 ग्राम आलू में कितना प्रोटीन होता है? सवाल नंबर ग्यारह, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस चीज़ में होता है? सवाल नंबर 12, शरीर में प्रोटीन की मात्रा कैसे बढ़ा सकते हैं? सवाल नंबर 13, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस दाल में होता है? सवाल नंबर 14, शरीर में प्रोटीन ज़्यादा होने पर क्या होता है? आपका प्रश्न एक है, हेम्प यानी भांग के बीच में कितना प्रोटीन होता है? आपका उत्तर है, भारत में मारी जू आना के तीनों रूप, गांजा चरस या भांग को रखना, खाना या व्यापार करना गैर कानूनी है, लेकिन इसका एक अपवाद भी है, वह है हेम्प यानी भांग के बीच जिनका सेवन किया जा सकता है। दिखने में ये भले ही छोटे छोटे बीज प्रतीत तो हो, लेकिन इनमें पौष्टिक तत्वों की प्रचुरता होती है। शाकाहारियों के लिए भी यह प्रोटीन का एक बड़ा स्रोत तो हो सकते हैं, जिनमें यह चिंता रहती है कि उनके भोजन में प्रोटीन की कमी है। ऐसे लोग हेम्प यानी भांग के बीज का सेवन कर सकते हैं। आपका प्रश्न दोहा, प्रोटीन लेने से शरीर को क्या फायदे होते हैं? आपका उत्तर है, प्रोटीन के जरिए ही विटामिन, मिनरल्स, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ऑक्सीजन शरीर के ऊतकों और कोशिकाओं में पहुंचते हैं। कुछ प्रोटीन में आयरन जैसे कुछ खास पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं। जब भी शरीर को इसकी ज़रूरत होती है, ये बैकअप की तरह काम करते हैं। प्रोटीन कई अलग अलग रूपों में आता है। आप हेल्दी और लो फैट वाला प्रोटीन लेने की कोशिश करें। डाइट के जरिए पूरे दिन भर में प्रोटीन लेना फायदेमंद रहता है। भरपूर मात्रा में विटामिन, मिनरल्स और फाइबर प्राप्त करने के लिए खूब सारे फल और सब्जियां खाएं। आपका प्रश्न तीन है, एक रोटी में कितना प्रोटीन होता है? आपका उत्तर है, इसमें प्रोटीन और फाइबर की भी अच्छी मात्रा होती है। अगर व्यक्ति 6 इंच की एक रोटी खाता है तो उसके शरीर को इससे 15 ग्राम कार्ब से 3 ग्राम प्रोटीन और 0.4 फाइबर मिलता है। आपका प्रश्न चार है, एक कटोरी सब्जी में कितना प्रोटीन होता है? आपका उत्तर है, एक कटोरी सब्जी में 32 से 40 कैलोरी, 2 ग्राम प्रोटीन व 6 से 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा गेहूं में प्रोटीन की मात्रा करीब 15% है, जबकि आम तौर पर गेहूं में प्रोटीन 10% से भी कम होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रोटीन में से सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन अंडे में होता है। आपका प्रश्न पाँच है, एक दिन में कितना प्रोटीन लेना चाहिए? आपका उत्तर है, जो लोग ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करते हैं, उन्हें अपने वजन के प्रति किलोग्राम के हिसाब से हर रोज 0.75 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। एक पुरुष को कम से कम 55 ग्राम और महिला को 45 ग्राम प्रोटीन रोज खाना चाहिए। डाइट का 25 से 45% प्रोटीन होना चाहिए। आप खाने में सी फूड, बीन्स, सोया नट्स, सीड्स, अंडे, फल और सब्जियों में ब्लूबेरी, रास्पबेरीज, मशरूम का सेवन करना चाहिए। आपका प्रश्न छः है, प्रोटीन क्या होता है और शरीर के लिए क्यों जरूरी है? आपका उत्तर है, ये हड्डियों के घनत्व को बनाए रखता है और बढ़ती उम्र में इन्हें कमजोर होने से बचाता है। प्रोटीन
कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कम करता है, जिससे दिल की बीमारी की संभावना कम होती है। इसके अलावा प्रोटीन ऊतकों और अंगों का निर्माण करता है। ये शरीर के घावों को तेजी से भरने में मदद करता है। प्रोटीन सूजन को कम कर और चोट वाली जगह पर नए ऊतक बनाकर घाव भरता है। आपका प्रश्न 6 है, प्रोटीन क्या होता है और शरीर के लिए क्यों जरूरी है? आपका उत्तर है, प्रोटीन अणुओं का एक जटिल समूह है जो शरीर में सभी जरूरी काम करता है। ये बाल, नाखूनों, हड्डियों और मांसपेशियों को बनाता है। प्रोटीन ऊतकों और अंगों को उनका आकार देता है और उन्हें उनका काम करने में मदद करता है। प्रोटीन शरीर को तत्काल ऊर्जा या एनर्जी प्रदान करता है। मोटे तौर पर शरीर को एनर्जी कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिलती है, लेकिन अगर आप वेट लॉस के लिए कम कैलोरी ले रहे हैं या फिर आप एक एथलीट हैं तो प्रोटीन आपको वही एनर्जी देने का काम करता है। एक स्टडीज के अनुसार प्रोटीन की सही मात्रा हड्डियों की सेहत में सुधार करती है। आपका प्रश्न 7 है, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आपका उत्तर है, जोड़ों में अकड़न के साथ मांसपेशियों में भी दर्द की समस्या बढ़ने लगती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। शारीरिक कमजोरी महसूस होने के साथ ही थकावट जैसी परेशानियां पैदा होती हैं। बाल और नाखूनों पर भी नकारात्मक असर होता है। इसके अलावा बच्चों के शरीर में जब प्रोटीन और कैलोरी की कमी होती है, कुपोषण तो उनमें मेरास्मस और क्वासी योरकर जैसी बीमारियां होती हैं। आपका प्रश्न 8 है, वजन घटाने के लिए प्रोटीन लेना क्यों जरूरी होता है? आपका उत्तर है, मांसपेशियों के साइज और शेप को बनाए रखने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। वजन घटाने के दौरान प्रोटीन मांसपेशियों को कमजोर होने से बचाता है। अगर आप ताकत के लिए वजन उठाते हैं तो इसमें प्रोटीन की अहम भूमिका है, क्योंकि ये आपके मांसपेशियों को मजबूत बनाने का काम करता है। अगर आपको बार बार कुछ न कुछ खाने की इच्छा होती है तो ये शरीर के लिए जरूरी भूख से अलग है। आपका प्रश्न 8 है, वजन घटाने के लिए प्रोटीन लेना क्यों जरूरी होता है? आपका उत्तर है, ये इच्छा आपके दिमाग से आती है ना कि पेट से। एक शोध से पता चला है कि ज़्यादा प्रोटीन बार बार खाने की लालसा को कम करता है। ये देर रात में लगने वाली भूख से भी बचाता है। डाइट में प्रोटीन की उच्च मात्रा मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है। इसका मतलब है कि आप एक दिन में कई कैलोरी बर्न करते हैं, यहाँ तक कि अगर आप आराम करते हैं तो भी। वही डाइट में कम प्रोटीन लेने से फैट आसानी से कम नहीं होता है। आपका प्रश्न 9 है, वर्कआउट के बाद कितना प्रोटीन लेना चाहिए? आपका उत्तर है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो यह आपके फिटनेस लक्ष्य के हिसाब से बदल जाता है। जो लोग नियमित तौर पर किसी भी फिजिकल गतिविधि को एक घंटे से ज़्यादा समय के लिए करते हैं, उन्हें उनके बॉडी वेट के अनुसार प्रति किलो 1 से 1.2 ग्राम प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। आपका प्रश्न 10 है, 100 ग्राम आलू में कितना प्रोटीन होता है? आपका उत्तर है, अमर उजाला में छपी खबर के हवाले से रसेट आलू में 4.55 ग्राम प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। आपका प्रश्न 11 है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस चीज़ में होता है? आपका उत्तर है, पानी के बाद प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन ही हमारे शरीर की ग्रोथ, टिश्यू रिपेयर आदि के लिए ज़रूरी होते हैं। अब हम आपको प्रोटीन के स्रोत बता देते हैं। 8 से 10 बादाम में करीब 12 ग्राम प्रोटीन होता है। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन भी पाया जाता है। ब्रोकली में 4.5 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। इसमें कैंसर से लड़ने वाले पार्टिकल भी पाए जाते हैं। 1 कप सोयाबीन में 18 ग्राम प्रोटीन होता है। इसकी आप सब्जी बनाकर खा सकते हैं। 1 छोटी कटोरी
कटहल में 3 ग्राम प्रोटीन होता है। 1 कप कूटू के आटे में 6 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा दाल, चना, खड़ी, मूंग, हरा मटर, पनीर आदि में भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। आपका प्रश्न 12 है, शरीर में प्रोटीन की मात्रा कैसे बढ़ा सकते हैं? आपका उत्तर है, हमारे शरीर में प्रोटीन अन्य न्यूट्रिएंट्स की तरह जमा नहीं होता है, इसलिए हमें इसका सेवन रोज करना चाहिए। एक स्टडी के मुताबिक हर रोज आपकी डाइट का 25-45% प्रोटीन होना चाहिए। आप खाने में सी फूड, बीन्स, सोया, नट्स, सीड्स, अंडे, फल और सब्जियों में ब्लूबेरी, रास्पबेरीज, मशरूम का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा अंकुरित अनाज में मांस, मछली जैसी नॉनवेज चीज़ों की तुलना में ज़्यादा प्रोटीन होता है। जैसे कि 10 ग्राम चने में कम से कम 15 ग्राम प्रोटीन होता है, जो बॉडी मजबूत करने में मददगार है। आपका प्रश्न 13, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस दाल में होता है? आपका उत्तर है, मसूर की दाल शायद भारतीय रसोई में सबसे आम दालों में से एक है। मसूर दाल प्रोटीन आवश्यक अमीनो एसिड, पोटेशियम, आयरन, फाइबर और विटामिन BA का एक अच्छा स्रोत है। लाल रंग की मसूरी दाल फाइबर और प्रोटीन के खजाने से कम नहीं है। एक मात्र कप मसूर दाल में 330 कैलोरी, लगभग 15 ग्राम आहार फाइबर और लगभग 17 ग्राम प्रोटीन होता है। आपका प्रश्न 14 है, शरीर में प्रोटीन ज़्यादा होने पर क्या होता है? आपका उत्तर है, दरअसल हाई प्रोटीन डाइट शरीर में जेनरेट हुआ एसिड लॉस ऑफ कैल्शियम की समस्या पैदा करता है। ये हमारी हड्डियों के लिए खतरनाक हो सकता है। इसमें ये भी बताया गया है कि रेड मीट की बजाय हरी सब्जियों से मिलने वाले प्रोटीन से हड्डियां कमज़ोर पड़ने का खतरा कम रहता है और फ्रैक्चर की समस्या भी नहीं होती है। धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो आप लोगों को देखने के लिए। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।